हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिलीट स्टेटमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन आर टेबल। मीन्स कि जो रिकॉर्ड्स हम लोगों ने टेबल में स्टोर करके रखे हुए हैं या फिर सेव करके रखे हुए हैं, उन्हें अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं डिलीट स्टेटमेंट को। तो देखो, सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सा है इसका। डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने वेयर कंडीशन का यूज किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि मींस कि अगर आपने यहाँ पे वेयर कंडीशन का यूज नहीं किया, तो इस केस में टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से हम लोग। वी केयरफुल वेन डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, नोटिस द वेयर क्लॉज इन द डिलीट स्टेटमेंट। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड शुड बी डिलीटेड। इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज, ऑल रिकॉर्ड इन द टेबल विल बी डिलीटेड। ओके, सो जो वेयर क्लॉज होता है वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने वेयर क्लॉज को यूज नहीं किया, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे टेबल के अंदर वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, सो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि डिलीट स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज करते हैं अपने MySQL के अंदर। तो चलते हैं अपने MySQL कमांड लाइन पे। तो ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं कस्टमर टेबल के अंदर। अब सपोज करो मुझे रिकॉर्ड नंबर 1011 मीन्स देसी बॉय का रिकॉर्ड है, ये मुझे डिलीट करना है टेबल के अंदर से। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, टेबल का नेम, वेयर कंडीशन देनी है, आईडी इक्वल टू क्या है, 101। ओके, सो डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू 1011 एंड आप एंटर मारेंगे तो यहाँ दिखाएगा क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड। मीन्स यहाँ पे वन रिकॉर्ड क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। इसके बाद देन हम यहाँ पे अगर देखें रिकॉर्ड अपने, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर सेमी कोलन एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को टेबल से डिलीट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।